गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 2 तारीख दिन शनिवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, आज कितना गाड़ी है मार्केट में। और किस किस जगह का माल है जी, और क्या कुछ रेट खुला है कल से, क्या कुछ रेटों में चेंजेस है, क्या कुछ उतार चढ़ाव है, और नेफेड और एनसीसीएफ के माल से क्या कुछ मार्केट में प्रभाव पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में क्या कुछ माहौल रहेगा, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो में। और दोस्तों उससे पहले जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन भी दबा दें जिससे आप सभी तक जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों एक बार क्वालिटी दिखा देता हूं, अभी मौजूद हूं सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में। इनके पास जो है राजस्थान वाला प्याज आया है जी, 2 गाड़ी। बाकी एक बार क्वालिटी देख सकते हैं, ये लाल प्याज है जी, चपटा प्याज। और बाकी एक ये वाला लोट पलटा हुआ है, एक ये लोट है लाल प्याज का, और एक ये है, और एक इधर भी है जी। 5-6 लोट है सर के पास पलटा हुआ, बाकी देखते हैं कौन कौन से एरिया का माल है। 2 गाड़ी तो फिलहाल ये दोनों राजस्थान का ही है जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज क्या कुछ आजादपुर में माहौल है, आज ताज़ा गाड़ी कितना, किस किस राज्य का माल देखने को मिला सर? 25 गाड़ी ताजी है। अच्छा जी, ऊपर नीचे मिला के 85 गाड़ी के आसपास। अच्छा जी, इसमें 18 गाड़ी राजस्थान है जी, 14 पूना है जी, 14 गाड़ी एमपी है। अच्छा जी, 6 गाड़ी नासिक व्यापारियों का है। अच्छा, 8 गाड़ी एनसीसीएफ है। अच्छा जी, और 10 गाड़ी नेफेड की। अच्छा, मतलब टोटल मिलाकर के जो गवर्नमेंट वाला माल है वो 16 गाड़ी के आसपास है। हाँ, 16 गाड़ी। अच्छा जी, तो सर ये समय के अनुसार आगे पीछे भी हो जाता है? हाँ, अराइवल तो घटती बढ़ती है। अच्छा जी, त्यौहार की वजह से कुछ माल कम आया है आज। अच्छा, माल। अच्छा, लेबर भी नहीं मिलती होगी ना पीछे। जी जी जी, तो सर अब तो 100 के आंकड़े से नीचे होने लग गया जी माल, कहाँ पहले 100 पहले ज्यादा था, तो 85-90 इस तरह से माल आ रहा है आजादपुर में। और आज तो डबल मंडी भी है, शायद क्लियर भी अच्छा खासा होना चाहिए। हाँ। तो ग्राहकी कैसा नजर आ रहा है, त्योहारों का क्या फर्क पड़ा है सर प्याज में? ग्राहकी तो अच्छी रहेगी क्योंकि 2 दिन में त्योहार ही मनाया गया है जी, तो आज शनिवार भी है जी, ग्राहकी अच्छी रहेगी। अच्छा जी, माल भी हमारे हिसाब से 60 गाड़ी के आसपास भी। और जैसा कि सर अब तो सावन सारा कुछ खत्म हो गया, जो भी मतलब था सावन भी था, उसका भी कुछ थोड़ा बहुत जो भी फर्क पड़ रहा था पड़ ही रहा था, लेकिन अब तो सावन भी खत्म हो चुका, तो रेटों में क्या कुछ बदलाव आया है, और क्वालिटी इस समय सर मेन है जो क्वालिटी किस तरह का ज्यादातर माल आ रहे हैं यहाँ पे? क्वालिटी हर जगह की अच्छी होगी। अच्छा जी, चाहे एमपी हो, चाहे पूना नासिक राजस्थान हो जी, क्वालिटी हर जगह की अच्छी होगी, बिक्री भी खुलेगी। अच्छा, कल भी बिक्री ठीक ठाक थी जी, बिक्री आज भी अच्छी रहेगी। जैसे आप बता रहे हो सावन भी खत्म हो गया जी, त्योहार भी खत्म हो गया जी, बिक्री तो खुलेगी। अच्छा, है भी ठीक बिक्री, बिक्री ठीक। अच्छा, तो सर जी जैसा कि आज अपने पास दोनों गाड़ी राजस्थान का लगाया जी, तो ये लाल प्याज का थोड़ा बताया जी, और ये लाल प्याज चपटा वाला है या कौन सा है जी? लाल प्याज मीडियम चाल में है, प्याज अच्छी है। अच्छा जी, 840 रुपये बिका है। 840। एक जो राजस्थान का देसी प्याज है वो वाला है या कौन सा है सर ये? नहीं, ये कुछावन सिटी की प्याज है, प्याज अच्छी है। अच्छा जी, हाँ, और ये पीली पत्ती जो है 22 रुपये किलो बेचा है ये वाली जी। 880 मन। और लाल वाला? 840 रुपये। 840 रुपये, 21 रुपये किलो। अच्छा जी, दोस्तों बता दूं यहाँ पे आजादपुर में जो है मन के हिसाब से चलता है। आजादपुर में क्या आप कहीं पे भी किसी भी मंडी में आप प्याज खरीदोगे तो मन के हिसाब से रेट बताएंगे, बाकी आप केजी के हिसाब से पूछोगे तो केजी के हिसाब से भी बता देंगे। सर एक बार केजी के हिसाब से भी बता दीजिए। लाल वाली 21 रुपये, पीली पत्ती 22। अच्छा जी, और ये वाला जो लोट आपके पास पलटा हुआ है सर? 920 रुपये नासिक का प्याज है जी। अच्छा जी, 23 रुपये किलो। और ये वाला जो लोट है सर? ये भी 23 रुपये। अच्छा जी, इसमें कलर अगर शाइनिंग अच्छा रहता तो? कलर कम है इसमें और पत्ती कम है, अगर कलर अच्छा होता तो 25 रुपये के आसपास बिकता, 1000 रुपये। अच्छा जी, और ये वाला जो लोट पलटा हुआ है सर आपने? 23 रुपये किलो। अच्छा जी, सर एक बार राजस्थान का जो प्याज है ऊपर नीचे करके बता दीजिए, राजस्थान में जो है कुचामन सिटी सिकर या मथानिया का जो प्याज है नीचे में क्या रेट बिका, एवरेज क्या रेट बिका, और ऊपर में क्या रेट बिका? ज्यादा माल बिका है 800 से 900 रुपया। अच्छा जी, जो बढ़िया माल है 900 रुपये से लेकर 970-980 रुपये। अच्छा जी, और ऊपर होगा तो 1000। और नीचे में सर? नीचे में 800। 800। और सर जी वही बात करें जो अपना अजमेर बेल्ट का प्याज है जी, अजमेर बिकेगा 800 से 1100 रुपये। अच्छा जी, 800 से लेकर 1100 रुपये, यानी कि 20 रुपये किलो से लेके 27-27.5। अच्छा, लेकिन ग्रेडिंग होना चाहिए, वो उसकी क्वालिटी अलग होती है। अच्छा जी, अच्छा, तो ये तो सर देखा जाए तो मतलब पूना बेल्ट को भी टक्कर दे रहा है जी जबरदस्त। कल पूना भी 1100 रुपये का बिका। अच्छा जी, 1100। और सर जी बात करें एमपी वाले प्याज का? 20 रुपये से लेके 25 रुपये।
20 रुपए से लेकर के 25। अच्छा जी, और एमपी का जो प्याज है सर ज्यादातर किस रेंज में बिक रहा है जी? ज्यादा बिक रहा है यहाँ 850 से 950। 850 से 950। अच्छा जी, पर के जी एक बार बता दीजिए सर। पर के जी आप समझ लो 21 रुपए 25 पैसे से लेके जी 24 रुपए। अच्छा जी, ज्यादातर इस रेंज में बिक रहा है एमपी का प्याज। और सर जी वही बात करें नासिक बेल्ट का, नासिक आप समझ लो 22 रुपए से लेके 25 रुपए, यानी कि 880 रुपए से लेके 1000। अच्छा जी, और ज्यादातर माल जो सरकारी है वो 21 रुपए से लेके 23 रुपए। अच्छा जी, नासिक का। अच्छा जी, क्योंकि सरकारी माल जो भी आ रहा है अभी नासिक का ही आ रहा है। अच्छा जी, नासिक से ही खरीदारी चल रहा है ज्यादातर उनका। अच्छा, और जो सर वैसे जो व्यापारी के थ्रू आ रहे जी उनका क्या रेट बिक रहा है? 25 रुपए बढ़िया। अच्छा, और सर जी अगर बात करें जो अपना पुणे बेल्ट का प्याज, एक बार नीचे ऊपर बता दीजिए। 20 रुपए से लेकर 27-28 तक। हाँ, 1-2 लाख 27-28 रुपए बिके हैं। अच्छा जी, लेकिन ज्यादा माल बिका है 22 रुपए से लेकर 25 रुपए। 22 से लेकर के 25-26 तक। अच्छा जी, तो सर अगर टोटल सभी एरिया का अगर मतलब एवरेज निकाले तो कुल एवरेज जो है परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा बता दीजिए, ज्यादातर माल जो है कितने परसेंट में कितने रेट में बिक रहा है? 22-23। अच्छा जी, 22 से लेकर के 23। कितना परसेंट माल सर? 80% माल इसी रेट में बिक रहा है। अच्छा जी, 80% इसी रेट में बिक रहा है। और सर जी इस समय बात करें हालात का, प्याज का जो कंडीशन देखने को मिल रहा है जी, या फिर आने वाले दिनों में जो क्या कुछ रेट रहेगा, और NCCF के आने से जैसा कि अभी लास्ट टाइम जो है 20, 17, 18 इस तरह का भी गाड़ी देखने को मिला, तो उससे क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है मार्केट में? थोड़ा महंगाई के कंट्रोल हुआ। अच्छा जी, प्याज ऊपर जा रही थी, ब्रेक लग गया। अच्छा जी, और NCCF में फिर जब तक आएगा तब तक प्याज के रेटों में कंट्रोल रहेगा। अच्छा जी, ज्यादा प्याज ऊपर नहीं लगेगा। अच्छा जी, क्यों 40-50 गाड़ी की बिक्री है, 50 गाड़ी जी, जिसमें 20-25 गाड़ी नए फिर और NCCF हो जाता है, कहीं ना कहीं तेजी को रोकते हैं। मतलब 50% जो है इन्हीं का माल हो जाता है जी। हाँ, और तेजी भी नहीं कह सकते हो, मार्केट को इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तेजी है कहाँ जी, तेजी तो है नहीं सर। ये तो समझ लीजिए जो किसान जो लगाए थे जी खेतों में, उन्होंने वो लागत बस पूरा हो रहा है जी। किसानों को खैर पूरा पैसा मिल रहा है। अच्छा जी, किसानों को दिक्कत नहीं थी जी, चाहे MP हो चाहे महाराष्ट्र जी, लेकिन वो कमाने वाला मौका नहीं मिला ना जी। वो तो जो एक तो कुदरत का मार पड़ गया, उससे नुकसान होगा किसानों को, और ये तो अभी जो उन्होंने लगाया, क्योंकि सर आज के टाइम में तो हर चीज महंगा है जी, चाहे वो डीजल भरवाने जाए या खाद लेने जाए या कुछ भी लेने जाए। जी, और रहेगा भी यही नॉर्मल रेट जी। अब होलसेल मार्केट में 50 रुपए बिकता तो चलो जी चिल्लाने का मतलब भी बनता है, लेकिन वो तो सपना ही हो गया जी। फुटकर में 25-35 रुपए बिल्कुल 30 रुपए बिक रहा है जी, जो अपने रिटेलर में जो बेच रहे हैं। तो सर क्या रहेगा, समय क्या रहेगा सर आने वाले दिनों में, क्या कुछ माहौल देखने को मिल सकता है? मार्केट जो चल रही है जी, ये मार्केट चलती रहेगी, नीचे मार्केट नहीं जाएगी जी, कभी 1-2 रुपए ऊपर कभी 1-2 रुपए नीचे। अच्छा, ज्यादा हाई फाई तेजी नहीं बनेगी, क्योंकि प्याज है। अच्छा जी, हाँ, प्याज MP में भी है जी, प्याज महाराष्ट्र में। अच्छा जी, इसलिए ज्यादा व्यापार की जरूरत नहीं है, जो मार्केट चल रही है तो मार्केट चलती है। अच्छा, थोड़ा सर साउथ का बताओ जी, साउथ का क्या कुछ? वहाँ अभी 15-20 दिन बाद अराइवलें बढ़ेंगी। अच्छा जी, तो इसलिए माल की कमी नहीं। अच्छा जी, माल तो ही है जी, और मंदा भी नहीं जाएगा जी, लेकिन यह है साउथ की प्याज यहाँ कम आएगा। अच्छा जी, दिल्ली कम आएगा जी, वो लोकल में बिहार बंगाल नहीं जाएगा। अच्छा जी, उधर ही, क्योंकि इसकी बात क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, क्वालिटी भी सुनने में आया जी, क्वालिटी भी अच्छा है और शायद माल भी अच्छा निकला है जी। माल तो अच्छा निकलेगा क्योंकि राजेश नहीं है। अच्छा जी, बिहार बंगाल ज्यादा जाए। अच्छा, दिल्ली में वैसे सर हर साल कितनी गाड़ी आते हैं जी साउथ से? साउथ अगर वहाँ क्वालिटी मेंटेन के ऊपर है, अगर क्वालिटी मेंटेन है तब तो दिल्ली आएगा। अच्छा जी, नहीं दिल्ली कम आता। अच्छा जी, और की बात 50% फसल बता रहे हैं, अगर क्वालिटी बन जाएगी साउथ जी तो दिल्ली माल आएगा। अच्छा जी, अगर क्वालिटी नहीं बनेगी तो बिहार बंगाल या वहाँ लोकल में निकलेगा। अच्छा जी, लोकल के साथ नहीं आएगा। अच्छा जी, और सर जी अलवर का क्या कुछ सुनने में आ रहा है जी? अलवर अब तो फसल लग रही है जी, और लास्ट अक्टूबर के आसपास अलवर आ जाएगा। अच्छा, अक्टूबर के आसपास लास्ट में, तो वही नवंबर स्टार्टिंग और अक्टूबर के लास्ट। और सर जी ये जो सुनने में आ रहा है जी, गवर्नमेंट जो है जो टैक्स लगाया था जी 40% का, उसमें कुछ कटौती कर रही है जी, क्या कुछ है जी? अच्छा जी, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया जी सुनने में? अच्छा, अच्छा जी, जो चल रहा है वही चल रहा है जी। अच्छा, एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दो जी। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, 1-1096 नई सब्जी मंडी आजाद, मोबाइल नंबर 93-11
1899। सर किसान भाइयों के लिए कुछ संदेश रहेगा जी, कैसे माल को निकाले या फिर घबराए या क्या करे? मैं तो यही कहूँगा धीरे धीरे निकालते रहें, ज्यादा जल्दबाजी भी न करें जी, आराम आराम से निकालें, रेट मिलता है। अच्छा जी, ज्यादा जल्दबाजी करने का कोई जरूरत नहीं, आराम आराम से अपना क्वालिटी भी देखो जी, क्वालिटी बनाओ, मेन ग्रेडिंग बनाते रहो जी, ग्रेडिंग जितना बनाओगे उतना अच्छा रेट मिलेगा, वही निकालेगा वो जी जी, आराम आराम से माल निकालें, घबराने की जरूरत। ओके जी, धन्यवाद सर जी।